नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबला होने वाला है ग्लैमशायर और हैम्पशायर के बीच में, इसके बारे में डिटेल से। इस मुकाबले के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे हमारे लेटेस्ट बुड का बिल्ड आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर बेनी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि काउंटी क्राउन ब्रिस्टल में मुकाबला होने वाला है। दोस्तों, ये इतनी इजी विकेट दिखती है, इतनी इजी है नहीं, ये थोड़ी सी आपके लिए बॉलर को मदद करती हुई विकेट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे मैच होता जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विकेट थोड़ी सी स्लो होती जाएगी, तो यहाँ पर बॉलर अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर डोमेस्टिक के 33 मुकाबले खेले गए, इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 14 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 19 मुकाबले जीती है, जबकि इंटरनेशनल के यहाँ पर कुल 6 मुकाबले खेले। इनमें से दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र 1 मुकाबला और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र 5 मुकाबले बिन किए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो टीम टॉस जीतेगी संभवतः वो आपके लिए पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आ जाए। यदि बात की जाए फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर के बारे में, तो 167 यहां पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर निकल कर आता है। वहीं बात करें यहां पर कोई भी मैच अभी तक टाई नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा लगातार बारिश हो रही है और मैच हो नहीं पा रहा है, तो संभवतः आप आज 7 बजे से मुकाबला भी है तो आपके लिए ये मुकाबला होता हुआ नजर आ जाए। यदि हाईएस्ट टोटल के बारे में बात की जाए तो 242 रन है जो कि ससेक्स ने बनाया था। वहीं टोटल आप देख सकते हो 161 यहां पर लोएस्ट टोटल है जो कि नॉटिंगहम शायर ने बनाया था। यदि बात की जाए हेड टू हेड मुकाबले के बारे में, तो है 10 मुकाबले टोटल खेले गए, इनमें से ग्लैम शायर ने मात्र 2 मुकाबले और हैम्पशायर ने आपके लिए 7 मुकाबले विन कर दिए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर हैम्पशायर का थोड़ा सा पड़ला भारी है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वो मैच के 3.5 घंटे डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा होगा कौन नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं टीम न्यूज के बारे में। दोस्तों, टीम न्यूज हमारे पास जो भी आएगी आफ्टर टॉस आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाएगी, तो प्लीज आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम को आप लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो हम सभी टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो प्लीज आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए बात करते हैं यहां पर दोनों ही टीमों के संभावित 11 और बैटिंग ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले ग्लैमशायर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो हम मोड ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे डेंट के साथ। डेंट ने लास्ट के 2 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की है दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पर 40 रन और 32 रन, जबकि हम मोड अभी तक पूरे टूर्नामेंट में फेल रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लास्ट मैच इनका भी रद्द हो गया था बारिश के कारण, हो नहीं पाया था। उसके अलावा बात की जाए यान कुकबेन लास्ट मुकाबले में 62 रन बनाकर आए, इससे पहले 7 रन 13 रन और 16 रन, इतनी प्रभावी इनिंग्स नहीं खेली थी, लेकिन लास्ट जो मुकाबला खेला इसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। उसके अलावा नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप देख सकते हो सिर्फ अकेला लास्ट मैच निकाल दिया जाए इनका तो सभी मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस कर इन्होंने दी, आप देख सकते हो 38 रन 44 रन और 42 रन, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हो। उसके अलावा बात करें जैक टेलर के बारे में, जैक टेलर ने अभी तक इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे और टीम के कैप्टन भी ये हैं। उसके अलावा बात करें होविल के बारे में, तो होविल का आप यहां पर देख सकते हो लास्ट मुकाबले में ना इन्हें विकेट मिला और ना ही बल्लेबाजी से ज्यादा कुछ ये कर पाए, जबकि इससे पहले इन्होंने 44 रन बल्लेबाजी से जरूर बनाए थे लेकिन गेंदबाजी से इन्हें विकेट नहीं मिला था। उससे पहले 30 रन 3 विकेट चटकाए थे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर दिया था, उससे पहले 24 रन कोई विकेट इन्हें नहीं मिला था। उसके बाद बात की जाए यहां पर बरेन के बारे में, देख सकते हो लगातार एक एक विकेट निकाल रहे हैं, एक मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले थे, अदरवाइज एक एक विकेट हर एक मुकाबले में निकाल रहे हैं। टॉम स्मिथ आप यहां पर देख सकते हो 1 विकेट निकाला, इससे पहले विकेट नहीं मिला, फिर 1 विकेट निकाला और फिर विकेट नहीं मिला, मतलब अल्टरनेट इनका चला है दोस्तों, विकेट मिला विकेट नहीं मिला अल्टरनेट चला है, तो आप चाहो तो इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो। मैट टेलर ने लास्ट मुकाबला नहीं खेला था क्योंकि इनके 2 मुकाबले विकेट लेस गए थे, इनकी जगह रियान हिंग्स को मौका दिया था, हिंग्स ने इसमें दोस्तों रन भी बनाए थे, उसके अलावा 1 विकेट भी चटकाया था। इससे पहले दोस्तों जो पहले मुकाबला था उसमें इन्हें मौका मिला था और इसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, तो संभवतः मैट टेलर की जगह रियान हिंग्स आपके लिए खेलती हुई नजर आ जाए। खैर, उसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। उसके अलावा डेविड पाइने के बारे में बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो 1 विकेट 3 विकेट फिर विकेट नहीं मिला फिर 1 विकेट, मतलब गेंदबाज आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें जॉस शो के बारे में, शो का आप देख सकते हो लगातार एक एक विकेट मिला है और 2 मुकाबले में इन्हें 2 विकेट और 3 विकेट मिले हैं, तो इंपोर्टेंट गेंदबाज आप इन्हें एज अ नोट
करेगा। अब बात करते हैं हैम्पशायर के बारे में। हैम्पशायर के बारे में बात करें तो दोस्तों एक मुकाबले में इन्होंने 215 बनाए थे जो रिसेंटली मुकाबला खेलकर आए हैं, लेकिन वो भी इन्होंने 217 बनाकर चेस कर दिए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी बॉलिंग की कंडीशन काफी ज्यादा पुअर है। यहां पर आप देख सकते हो जेम्स विंस ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे डीआरसी शॉट के साथ। शॉट और विंस दोनों ही इंटरनेशनल का अनुभव रखते हैं और दोनों ही बहुत खतरनाक बल्लेबाज भी हैं, तो आप इन दोनों को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। और डीआरसी शॉट के साथ आप ग्रेलिक ट्राई करिएगा कम से कम 3-4 टीमें दोस्तों एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके, जबकि जेम्स विंस को भी आप 1-2 टीमें बना सकते हो। उसके अलावा बात करें जियो बेदरली की, बेदरली आप देख सकते हो 41 रन, 14 रन, 42 रन और 37 रन, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए प्लेयर हो सकते हैं। उसके अलावा बात करें मैकमैनस के बारे में, मैकमैनस जो कि आपके लिए शायद विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी और 47 रन इन्होंने बनाए थे, इससे पहले 15 रन और 7 रन और 7 रन, क्योंकि दोस्तों जो इनके टॉम एस्लॉप थे वो 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैकमैनस 7 नंबर पर, लेकिन दोनों को इंटरचेंज यहां पर किया गया। तो दोस्तों यहां पर मैकमैनस नंबर 4 पर आ गए और टॉम एस्लॉप नंबर 7 पर चलेगा। उसके अलावा लियाम डॉब्सन, डॉब्सन का आप देख सकते हो इन्हें स्टार्ट मिला है बल्लेबाजी से और गेंदबाजी में भी एकाध विकेट इन्होंने चटकाया है। यदि आप इन्हें ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इन्हें अवॉइड कर भी आप चल सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इन्हें जरूर ट्राई करिएगा। और यदि कोशिश करो, यदि आप 10 से ऊपर 11 या 12 टीमें बना रहे हो तो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर इन्हें ट्राई करना। उसके अलावा जेम्स फुलर आप देख सकते हो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए जेम्स फुलर, टॉम एस्लॉप के बारे में बता ही चुका हूं कि फेल रहे हैं, यदि इन्हें मौका मिलेगा तो टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा और नहीं मिलेगा तब भी आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें यहां पर हॉलैंड, यान हॉलैंड आप देख सकते हो इन्हें सिर्फ एक मुकाबले में विकेट मिला है। जैसा कि मैंने बताया इनकी बॉलिंग कमजोर है, जी हाँ दोस्तों बॉलिंग कमजोर है। जब कोई टीम 200 प्लस टारगेट T20 में चेस कराती है तो मतलब उसकी बॉलिंग तो डेफिनेटली कमजोर है। उसके अलावा काइले अबोट, काइले अबोट इंपोर्टेंट गेंदबाज हैं, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। लास्ट मुकाबला खेले थे और 2 विकेट निकाले थे, इससे पहले 1 खेली नहीं थी। उसके अलावा बात करें कार्ने के बारे में, तो कार्ने आप देख सकते हो 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट मतलब 8 विकेट निकाल चुके हैं, तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। डेथ ओवर में ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा व्हील ने ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं किया, सैम नॉर्थेस्ट या क्रिस वुड को मौका मिलेगा तो टेलीग्राम पर अपडेट आपके लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट प्लेयर के बारे में, इंपोर्टेंट प्लेयर आप देख सकते हो डेंट हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, यदि ग्लैम्पशायर की ओर से बात की जाए जॉस सो हैं, रियान हिंग्स और होवेल। दोस्तों रियान हिंग्स आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी करते हैं, उसके अलावा बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं और ग्रैंड लीग में आप इन्हें अपनी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा हैम्पशायर की ओर से बात करें जेम्स विंस, जियो बेदरली, कारने, डीआरसी शॉट और काइले अवॉर्ड, एक उस दोस्तों यहां पर हैम्पशायर की ओर से इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। कोशिश करिएगा स्मॉल लीग की टीम में इनको सबको ट्राई करने की। लगभग यहां पर आपके लिए 10 प्लेयर हैं, एक प्लेयर हम दोस्तों चूज करेंगे, लेकिन आप अभी वीडियो के साथ बने रहिएगा, अभी वीडियो में बहुत कुछ है जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर हमारे ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जैसा कि आपको पता है कि आपका एक लाइक काफी इंपोर्टेंट होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, विकेट कीपिंग सेक्शन में ग्लेन फिलिप्स जो कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे, मैकमैनस भी संभवतः 4 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, टॉम एस्लॉप काफी नीचे बल्लेबाजी करने वाले हैं, तो फिलहाल की स्थिति में हम यहां पर ग्लेन फिलिप्स को अपनी टीम में ट्राई करने वाले हैं। अब बात करते हैं यहां पर बल्लेबाजी सेक्शन के बारे में, बल्लेबाजी सेक्शन के बारे में बात करें तो डीआरसी शॉट, जेम्स विंस, डेंट और वेदरली टॉप जो 4 बल्लेबाज हैं काफी शानदार बल्लेबाज हैं। लेकिन आपके लिए मैं एक बात बता दूं दोस्तों, यहां पर आप क्रेडिट इशू फेस करने वाले हो, यदि आप क्रेडिट इशू फेस नहीं करना चाहते हो तो माई फेवरेट इवेंट ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सिर्फ आपके लिए Raj123 कोड डालना है, जिससे हमारी तरफ से 50 रुपए का कैश बोनस भी आ जाएगा और आप दोस्तों जो 100% कैश बोनस यूजेबल लीग रहती है उसमें भी ज्वाइन कर पाओगे, तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, Raj123 कोड जरूर डालना है। इसमें खेलने के लिए आपके लिए क्या लाभ मिलेगा, यदि आप हाई इन्वेस्टर हो तो लो एंट्री फीस, इससे कम एंट्री फीस आपके लिए कहीं नहीं मिलेगी, 1-2 मिनट में बैंक विड्रॉ, उसके अलावा आपके लिए मिल जाएगा दोस्तों यहां पर लो कंपटीशन और क्रेडिट इश्यू का फेस नहीं करना पड़ेगा, तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा। इसकी टीम का फाइनल प्रीव्यू टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहां पर बल्लेबाजी सेक्शन में, तो इन चारों को मैं फिलहाल की स्थिति में यहां पर ट्राई करने वाला हूं। यदि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो यहां पर आप ट्राई कर सकते हो हमोट को जो कि ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, यान कुकबैन को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, कुछ ही आपके पास ऑप्शन है, इनके अलावा दोस्तों यहां पर आपको और कोई खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, ऑलराउंडर सेक्शन में होवेल, रियान हिंग,
Kings, इन दोनों को ट्राई करूंगा। उसके अलावा यदि आप यहाँ पर Dobson को ट्राई करोगे तो आप कैडेट इशू में फंस जाओगे। यदि आप कैडेट इशू में फेस नहीं करना चाहते तो आप माई फेवर इवेंट ट्राई कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जेम्स फुलर को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ Dobson की जगह, क्योंकि मेरे लिए एक अच्छा कैडेट मैनेजर ये हो सकते हैं, तो इनको ट्राई कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आप यहाँ पर लाम Dobson को ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पर एक बल्लेबाज को मिस करिएगा, इन्हें मिस करिएगा और हमोट को ट्राई करिएगा और फिर यहाँ पर इन्हें ट्राई करिएगा। तो मैं आपके लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर बता देता हूँ। और आप बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आप यहाँ पर कारने को जे शाह को ट्राई करोगे और आपके पास 8 कैडेट बचे, 8 कैडेट में आप यहाँ पर स्मिथ को ट्राई कर सकते हो। आप एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो या फिर दोस्तों आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। मैंने आपके लिए सभी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता दिया। फाइने को या कायले एबोट को ट्राई कर सकते हो। मैं कायले एबोट को अपनी टीम में ट्राई करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं 8 T20 का। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में चर्चा की जाए तो आपके लिए सबसे पहले निकल कर आता है DRC शॉट, शानदार ऑप्शन है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके अलावा जेम्स बिन्स, दो ऑप्शन दोस्तों ए हो गए। इनके अलावा ग्लेन फिलिप्स, तीन ऑप्शन आपके लिए ये बेस्ट हो जाते हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर आपके लिए मिल जाएगा, तो प्लीज आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।